तो फिलहाल ड्राइंग टेबल का हालत देखिए कितना ख़राब हालत है, और यहाँ पर भी बहुत ही ख़राब हालत है। देखिए कंप्यूटर टेबल का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर पूरा धुला धुला है बहुत। और यहाँ पर कल में दो छोटा कैनवास ला के रखा था पेंटिंग के लिए, आर्ट वाले चैनल के लिए, एक है 8 इंच बाई 10 इंच का और एक है 10 बाई 12 इंच का। तो इससे ही कुछ ड्राइंग होगा अभी, और पहले टेबल को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग करूँगा। और अभी टाइम हुआ है सुबह का, देखते हैं कितना टाइम हुआ है। ओके, मैं तो 5:30 बजे उठा हूँ सुबह में, और अभी देखिए 5:55 हुआ है, मतलब 6 बजने ही वाला है। तो टेबल को पहले साफ़ करते हैं, नहीं, पहले टॉफ़ी के लिए कुछ खाना करते हैं, उसके बाद टेबल को साफ़ करते हैं। देखिए क्या खा रहा है, देखिए, उसके बाद टेबल को साफ़ करके कुछ पेंटिंग करते हैं, देन देखते हैं क्या करेंगे। उसको भूख लगा है, सुबह उठ गया है नींद से, मतलब ये तो हर दिन सुबह ही उठता है, मैं लेट करके उठता हूँ। तो कुछ खाना करते हैं इसके लिए। फिलहाल अभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि मम्मी रात में काम करके सो गई थी। मम्मी सुबह उठ के सब कुछ साफ़ करती है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदगी है। तो ठीक है, यहाँ पर ही मुझको ट्रॉफी के लिए खाना करना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है, इसके लिए जहाँ इसका मन कर रहा है वहाँ पर ही आ जा रही है। चल नीचे चल। तो अभी पानी गर्म हो गया, और पानी को यहाँ पर डाल दूंगा उसके खाने के ऊपर, देन थोड़ा मिक्स करके उसको खाने दे दूंगा। तो फिलहाल अभी टॉफी का खाना रेडी है, और चलिए उसको खाना दे देते हैं, और थोड़ा इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो आ गई है नीचे। फिलहाल इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, देखिए कैसा कर रही है, थोड़ा गर्म है इसके लिए, इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ रहा है। तो फिलहाल टॉफी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अभी खा रही है, अभी काम कर लेते हैं। तो कल रात अचानक से मेरे रूम का ऊपर का जो लाइट है ना, वो लाइट ख़राब हो गया है, और रात में मैं दुकान पे गया था लाने, बट दुकान बंद हो गया था, तो आज जाना पड़ेगा। फिलहाल तो इन्हीं दो लाइट से काम चलाना पड़ेगा अभी ड्राइंग करके। फिलहाल अभी टेबल को ठीक कर लेते, उसके बाद कोई पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो टेबल साफ करके मैं कैनवास के ऊपर एक उल्वरिन का आउटलाइन किया हूँ, अभी इसको ही मैं एक्रिलिक कलर से पेंटिंग करूँगा। तो यहाँ पर मम्मी खाना दिया है, क्योंकि भूख लग गई है थोड़ा, और अभी टॉफी मैडम सो गई है, बाहर सो रही है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पर वो सो रही है बच्चे की जैसा। तो चलिए पहले खा लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना काम हुआ है, और काम बाकी है, डिटेलिंग वर्क बाकी है, सिर्फ फेस थोड़ा बहुत हुआ है, फेस में भी काम बाकी है। और अभी तो मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, थोड़ा काम है, तो उसके बाद आके फिर से वर्क लेके बैठूंगा। तो थोड़ा राशन ऑफिस पे जाऊंगा काम के लिए। तो चलिए काम को करके आते हैं, देन फिर से वर्क लेके बैठेंगे। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और मुझे यहाँ पर काम मिटवाने में अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत ही लंबा सा एक लाइन लगा है, और लाइन तो आगे नहीं जा रहा है। तो अभी कब मैं घर जाऊँगा और कब पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करूँगा पता नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कितना भीड़ है, और सच बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि कोविड चल रहा है। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं कब मेरा नंबर आता है। चलिए बाय। तो फिलहाल अभी भी मैं लाइन पे हूँ, और मेरे सामने इतना बड़ा लाइन है, तो देखते कब मेरा नंबर आता है। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया है, और मुझे करीबन 2 आवर्स जैसा टाइम लग गया है। अभी पापा के लिए बर्फ़ लेंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है फिर से, तो देन वर्क लेके बैठेंगे। आज अगर वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो चलिए घर पे जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बर्फ़ लाने आया हूँ,
और भैया बर्फ दे रहा है और मैं आज बैग लाना भूल गया हूँ, इसके लिए यहाँ पर मुझको बोरी में बर्फ ले लेना होगा, देन इसको साइकिल का पीछे में बैठा के ले जाऊँगा। तो अभी मैं जाऊँगा नहाने और बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला भूख लग गया है, पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और नहाने के बाद कुछ खा लूँगा देन वर्क लेके बैठूंगा। देखेंगे अभी भी कितना टाइम लगता है, अगर आज के अंदर कॉम्प्लीट हो गया तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो कल अपलोड करूंगा। तो चलिए नहा लेते हैं। Many minutes later. तो फिलहाल तो पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है और इसको पूरा कंप्लीट करने में मुझे करीबन 3 से 4 आवर्स टाइम लग गया है, और अभी इसको एडिट करके आर्ट वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको इस वाले ड्राइंग का पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग आर्ट वाले चैनल यानी कि सोम्स आर्ट को फॉलो कर सकते हो, वीडियो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए एडिट कर लेते हैं। तो फिलहाल तो ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो गया है और ड्राइंग को मैं एडिट करके आर्ट वाले चैनल पे अपलोड भी कर दिया हूँ। तो अभी बाहर जाऊँगा, बाहर मैं और भाई मिलके पूरी बेलूँगा, भाई गोल करेगा मैं बेलूँगा, देन आज रात में डिनर पे पूरी खाऊँगा। तो चलिए बाहर जाके काम करते हैं थोड़ा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बेलना थोड़ा भी नहीं आता है, मतलब फर्स्ट टाइम आज बेलूँगा, देखूँगा कैसे करके बेल पाता हूँ, गोल बेल पाता हूँ या फिर त्रिकोण चौकोन, जैसा मर्जी आए करूँगा, खाना तो मुझको ही है, मेरा भाई को ही है। तो चलिए दोनों मिलके काम करते हैं। दोस्तों असल में हम लोग तो ऐसा काम कभी भी नहीं करते हैं, और कभी कभी मन करता है तो करते हैं, बट उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोगों का पूरी का साइज भी सेम नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा मोटा भी हो जा रहा था और गोल भी नहीं हो रहा था। तो जैसा भी हुआ है थोड़ा बहुत हम लोग किए हैं, क्योंकि मम्मी अकेला काम कर रही थी और हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा हेल्प किया जाए, इसके लिए यहाँ पर मैं और मेरा भाई थोड़ा बहुत किया। सुंदर पहले देख लीजिए गोल टेढ़े टेढ़े कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि पूरी तो गोल नहीं हो रहा है, इसके लिए हाथ से टान के इसको गोल कर दे, थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था और कोई बात नहीं। तो जैसा भी हुआ है इसको ये भी हम लोग खाएंगे तेल में तलने के बाद। भाई यहाँ पर गोल कर रहा है अंडे जैसा और मैं यहाँ पर बेल रहा हूँ और मम्मी यहाँ पर पूरी तल रही है गर्म तेल में। दोस्तों हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर लाइट सेटअप बहुत ज़्यादा ख़राब था, वहाँ पर किचन के वहाँ पर एक लाइट जल रहा था जो अभी मैं बंद कर दिया हूँ, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बट फिर भी यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी यहाँ पर अंधकार हो गया था और जो भी लाइट यहाँ पर ब्राइटनेस हुआ है वो फ़ोन का कैमरा से हुआ है, तो मैं तो फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ आप लोग तो जानते हो, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। अभी पूरी भाजना हो गया है, मम्मी पूरा भाज के कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो अभी इसको रखते हैं, अभी पेट पूजा होगा कुछ ही देर में। तो अभी तो फिलहाल ट्रॉफी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगा है और इसके लिए पहले इसको थोड़ा मेडिसिन देना पड़ता है लीवर के लिए, तो इसको पहले मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद इसको खाना देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ट्रॉफी मेडिसिन खा के बैठा हुआ है और कितना अच्छा प्यारा सा बच्ची ऐसा बैठा हुआ है, देखिए कितना मासूम है, बट जब इसको खेलने का मन करता है तो इतना छटपट करता है ना, तो अरे 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 अभी तो बहुत शांत है। तो अभी टॉफी मछली भात खा रही है और हम लोग भी अभी खा लेते हैं, तो टॉफी को खाने देते हैं और अभी मैं भी जाके खा लेता हूँ। तो चलिए, तो आज मेरा खाने में कुछ यही है और थोड़ा काम करने के बाद भूख और भी ज़्यादा लग जाता है, तो अभी आज पेट पूजा होगा अच्छे से, देन सो जाऊंगा अगर नींद आएगा तो। और यहाँ पर भाई ट्रॉफी के साथ खेल रही है क्योंकि ट्रॉफी का खाना पूरा कंप्लीट हो गया है और भाई का भी खाना हो गया है, देखिए वहाँ पर कागज़ खा रही है वो जो मिलता है वही खाता है, ठीक है वो कागज़ भी खाता है, अभी छोटा है ना तो इसको थोड़ा संभल के रखना पड़ता है। तो मैं अभी पेट पूजा कर लेता हूँ, तो आज का ब्लॉग इतना ही, देखा होगा नेक्स्ट ब्लॉग पे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।